कोशिश हमारी और फतह अल्लाह की होगी। जो आपका हुक्म सरदार, जो आपका हुक्म सरदार। मैं वो हूं जिसके हाथ में इस वक्त तुम्हारा वकार है। मुझे वो न मिला जो मैं चाहता हूं तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिल पाएगा। इत्मीनान रखो अलंजक, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं कि तुम मुझे दौड़ाओ और मैं फौरन दौड़ पड़ूं। पहले तुम्हें मेरी कुछ शराइत मानना होगी, उसके बाद कहकर उसको हवाले करूंगा। मुझे कैद करने का कोई फायदा नहीं। जिलावतन करोगे तो हिजरत कर जाऊंगा, मारोगे तो शहादत। जो हम पर भरोसा करे उसका हाथ खाली नहीं भेजते। हाथ दोस्ती के लिए बढ़े तो थाम लेते हैं और अगर दुश्मनी के लिए बढ़े तो काट देते हैं। दुनिया में दो तरह की ताकतें होती हैं बेटा, एक तलवार की और दूसरी अक्ल की। लेकिन अक्ल की ताकत इस्तेमाल करने वाला मुजाहिद तलवार से शिकस्त नहीं खाता कभी, के जरिए नहीं बल्कि अपनी तलवार के जोर पर हासिल की है। तुर्क रिवायात वाजे हैं, जो हमसे हमारी जमीन छीनेगा उसे उसी जमीन में गढ़ छीन कर लिया जाता है अपना हक। अगर कोई हमसे हक छीनने की कोशिश करेगा तो सर उतार देंगे। हमारी निगाहें उकाब की तरह और हौसला शेर जैसा होना चाहिए। अगर दुश्मन अपनी साजिशों के जरिए खेल खेल रहा है हमारे साथ तो फिर वक्त आ गया है कि तारीख पर नई मोहरें सख्त की जाए। मामलात बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तलवार के वार का जवाब तलवार से दिया जाता है। जो हक तलवार से हासिल हो वो आपकी नामूस होता है, और जब बात नामूस पर आ जाए तो ना कोई समझौता होता है। उस दिल हर रोज और बहादुर सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन बहादुर की मौत जिल्लत से नहीं होती। मैंने हक का नारा बुलंद किया है बिल के हाथों, और इसके लिए सामना करने को भी तैयार हूं हर तरह के हालात का। मुश्किल होती है हक पर चलने वालों की जिंदगी। मकसद और नजरिया छोटा हो तो आगे नहीं बढ़ सकते, इसके लिए फौलादी इरादे और पहाड़ जैसी हिम्मत दरकार है। शुक्रिया।